नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में दमकल कर्मी की बेटी आई कोरोना पॉजिटिव, युवती के परिवार को किया क्वारंटीन। पंजाब के 5000 ग्रेड पे वाले अधिकारी ग्रुप ए सेवा में शामिल, खिलाड़ियों के लिए है भी अच्छी खबर। दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव राहुल गौड़ कोरोना से संक्रमित। स्कूल गैंगरेप मामले में करनाल पहुंची महिला आयोग। चरखी दादरी में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। ट्विटर में ही टूल के जरिए की गई हाई प्रोफाइल हैकिंग, एडमिन टूल का मिला एक्सेस। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया की गृहमंत्री अमित शाह से गुहार, केस की सीबीआई जांच हो। किसान दंपति में पुलिस की मारपीट पर एमपी में बवाल, गुना के कलेक्टर और एसपी हटाए गए। कुलभूषण जाधव केस अपडेट, पाकिस्तान में भारत के 2 अधिकारी को मिलेगी अनुमति। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेक्टर 38 मकान नंबर 6 में रहने वाली युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि युवती प्राइवेट अस्पताल में बतौर नर्स का काम किया करती थी। युवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य के सभी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत 5000 या इससे अधिक ग्रेड पे वाले अधिकारियों को ग्रुप ए सेवा में शामिल कर लिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव राहुल गौड़ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही यहां उप मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आवाजाही पर अंकुश लग गया है। हरियाणा सिविल सचिवालय में भी एहतियाती चौकसी बढ़ा दी गई है। करनाल स्कूल गैंगरेप मामले में महिला आयोग एक्शन में आई। आयोग की सदस्य नर्मदा गौड़ करनाल पहुंची, जहां उन्होंने महिला थाना की इंचार्ज और डीएसपी से साथ ही पीड़िता से भी बातचीत की। बता दें कि प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर गैंगरेप का आरोप है। मामले में तहसीलदार भी आरोपी है। ट्विटर पर अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग हो चुकी है। बिल गेट्स, एलन मास्क, बराक ओबामा, उबर और एप्पल जैसे कई हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स हैक किए गए। ट्विटर की सारी सिक्योरिटी को बोना साबित करते हुए हैकर्स ने इस बड़ी हैकिंग को अंजाम दिया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग चारों तरफ से तेज हो गई है। पिछले काफ़ी वक्त से तमाम दिग्गज नेता और अभिनेता सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। इसी क्रम में अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट करके सीबीआई जांच शुरू करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपति की लाठियों से पिटाई कर दी, जिसके बाद किसान दंपति ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले के कलेक्टर और एसपी को फौरन हटाने का निर्देश दिया है। कुलभूषण जाधव केस में भारत को जीत हुई है। भारत को दूसरा काउंसलर एक्सेस मिल गया है। पाकिस्तान में भारत के 2 अधिकारियों को अनुमति दी जाएगी। भारत ने पाकिस्तान से बिना किसी शर्त के भारतीय कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की मांग की थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आज प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।